तरफ से जो जूनी गाड़ियों का मेलावा जो लगाए हैं आपने, तो ये कब तक चलेगा और ये मेलावे के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ रहेंगी टाटा मोटर्स की, उस बारे में जरा विवरण करके बताइए दर्शकों। सर ये जो मेलावा है ये 2 दिन के लिए किया हुआ है, 16 और 17 तारीख तक चलने वाला है 2 दिन के लिए। इसमें इसका उद्देश्य ये है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं हमारे कमर्शियल व्हीकल के, माल वाहतुक के, वो रिपीट बायर्स होते हैं, यानी एक बार नहीं लेते हैं गाड़ी, बार बार लेते हैं। तो नई गाड़ी लेने के लिए बहुत लोगों के पास में पुरानी गाड़ियाँ भी होती हैं एक्सचेंज के लिए, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि वो अगर हमारे शोरूम में लेके आते हैं गाड़ियाँ तो हमारे पास में पूरी एक टीम होती है जो हमको उसका बराबर एक्सचेंज का वैल्यूएशन देता है। फिर वो जो नई गाड़ियाँ पसंद करना चाहते हैं वो गाड़ियाँ हम लोग उनको दिखाते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सचेंज का वैल्यूएशन और नई गाड़ी जब वो फाइनल करते हैं तो उस बीच में एक डील होती है। तो ये 2 दिन इसलिए रखा है ताकि अभी 15 तारीख हो गई है, 2 दिन रखने से जो भी मूवमेंट होना है मार्केट में तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है कि अंडर वन रूफ 10 ब्रोकर्स होते हैं जो उनकी गाड़ियाँ लेते हैं, देखते हैं, और उनको बेस्ट एक्सचेंज की डील दी जाती है। उसके अगेंस्ट में टाटा मोटर्स जो गाड़ियाँ बेचता है, मैं सतीश मोटर्स में हूँ, हम लोगों को 65 ईयर्स, 65 साल हो गए हैं टाटा मोटर्स के साथ जुड़े हैं। तो हम लोग स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स जो होती हैं उसके अंदर हम टाटा एस जो छोटा हाथी बोला जाता है, आज तक हम 25 लाख छोटा हाथी बेच चुके हैं टाटा मोटर्स से। तो वहाँ से लेकर तो 1.5 से 2 टन गाड़ी जो हमारे पास में अभी आ गई है मार्केट में टाटा एस के साथ, इंट्रा का एक पूरा रेंज आया है, टाटा इंट्रा में मॉडल्स हैं अलग अलग, V10, V30, V50, और टाटा योद्धा एक 2 टन पासिंग की बहुत बड़ी शानदार पिकअप आई है हमारे पास में। तो ये सब गाड़ियां हमारे डिस्प्ले में भी रखी हैं ताकि कस्टमर जो गाड़ियां एक्सचेंज के लिए लाते हैं तो उनको सारी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, पूरी मालूमात मिलती है और उनकी पुरानी गाड़ी को अच्छी डील मिलनी चाहिए। ये पर्पज़ है ये मेला वाले लेने का। मैम 3-in-1 भव्य लोन की जो एक्सचेंज की स्कीम है आपकी, तो उसका विवरण करिए कैसी है स्कीम। 3-in-1 यानी 3 फैसिलिटी है कस्टमर को, यहाँ आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो नई ही गाड़ी खरीदे, हमने इसका नाम ही एक्सचेंज मेला रखा है, तो वो गाड़ी को, उसको पुरानी गाड़ी को वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, ये एक चीज़ है उसकी। दूसरा है अगर वो नई गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसको पूरे रेंज की गाड़ियाँ मिलेगी, ये दूसरा एक फैसिलिटी है, ज़्यादा रेंज की गाड़ियाँ हैं जो हमारे पास में। और तीसरी चीज़ है उसको लोन, हमारे फाइनेंसर्स ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है हमको, जो भी गाड़ी लेता है उसको लोन की ज़रूरत होती है तो उसको स्पॉट लोन मंजूर होगा, तो वो एक विजिट में आकर ये तीनों चीज़ मिल सकती है उसको, पुरानी गाड़ी भी एक्सचेंज कर ले, नई लेना है तो वो भी ले ले, और उसको लोन की भी व्यवस्था हो जाए और लोन उसको जो उसके हिसाब से स्कीम चाहिए वैसी स्कीम मिलेगी, ऐसे फाइनेंसर्स के साथ टाइप हुआ है। मैम आपने बताया कि ब्रोकर के भी टाइप है आपके पास में, ग्रुप रहता है उनका, तो कोई डायरेक्ट आना चाहता है यहाँ पर आपसे एक्सचेंज लोन के लिए, गाड़ी एक्सचेंज के लिए, तो वो यहाँ किससे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर टाटा ओके बोल के एक डिपार्टमेंट चलता है हमारा, जिसमें हम पुरानी गाड़ियाँ लेते हैं और पुरानी गाड़ियाँ लेके हम रिफर्बिश करते हैं, हमारा अपना वर्कशॉप है, हम उसमें रिफर्बिश करके हम डायरेक्ट कस्टमर को भी बेचते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रोकर्स ही आए, हमारा अपना ओल्ड व्हीकल खरीदने के लिए भी एक पाइपलाइन है, वो कस्टमर्स भी आते हैं, बेचने वाले और लेने वाले दोनों भी लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टाटा ओके में हमारे मिस्टर अब्दुल्ला खान हैं जो मैनेजर हैं, वो टाटा ओके के अंदर पूरी एक पाइपलाइन मैनेज करते हैं। नई गाड़ी लेने के लिए जो लोग आते हैं वो कुछ कारण से नई नहीं लेते हुए सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं, तो यहाँ से जो हमारी इंक्वायरी जनरेट होती हैं वही हम डायरेक्ट कस्टमर को भी ये गाड़ियाँ रिफर्बिश करके बेचते हैं। मैम सेकेंड हैंड गाड़ी की मर्यादा क्या है, कितने साल पुरानी होनी चाहिए तो जब एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी कुछ मर्यादा है। सेकेंड हैंड गाड़ी में 2 चीज़ें होती हैं कि पेपर्स जो होते हैं जिसकी हम ले रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, गाड़ी का कंडीशन होता है, इसमें साल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी हम 15 साल से पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज में नहीं लेना पसंद करते हैं, अगर लिया तो वो स्क्रैप में जाती है एज़ पर द न्यू पॉलिसी जो आने वाली है आगे, क्योंकि वो गाड़ी आगे उसको भी काम नहीं आने वाली है। तो पेपर्स एक तो ओके होना चाहिए, कोई भी किसी की भी गाड़ी ला के बेच नहीं सकता है, वो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रूफ होता है, प्लस वैल्यूअर गाड़ी की वैल्यूएशन और हमारी टीम जो होती है वर्कशॉप की वो कंडीशन देखती है, तो ये पूरा एक ग्रुप है जो तभी हम उसको एक्सचेंज करते हैं। मैम मिनिमम कितना लोन देते हैं एक्सचेंज गाड़ी को। एक्सचेंज गाड़ी के ऊपर अगर सपोज जो वो गाड़ी बेच रहा है, और 2 चीज़ें होती है एक्सचेंज में, एक बेचने वाला है एक लेने वाला है, तो जो लेने वाला आदमी है वो खरीद रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल 2 लाख में गाड़ी ले रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से और उसका
सिबिल स्कोर क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसके पास पेपर्स क्या है, उस हिसाब से उसको 1.5-1.5 लाख तक लोन भी हो जाता है, उसके जेब से 25-30-40 हज़ार रुपये भर के भी उसको एक सेकेंड हैंड गाड़ी मिल सकती है। मैम आपका गुड नेम बोल दीजिए और यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए। मैं रश्मि नायर हूँ, मैं जनरल मैनेजर सेल्स हूँ सतीश मोटर्स, जो टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का डीलर है। अदालत रोड पर हमारा मेन ऑफिस है और शरणापुर पर हमारा वर्कशॉप है।